दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन में वाईफाई पकड़ चुका है जिसको हमने हैक किया है। ओप्पो A3s जो हमारे फ़ोन में कनेक्ट हो चुका है। तो हम कैसे कनेक्ट किए हैं, चलिए वीडियो को मैं आपको हम बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनिल है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप वाईफाई का पासवर्ड हैक कैसे कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सा कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों ऊपर में सर्च बार में टाइप करना है आपको वाईफाई वार्डन WARDEN। सर्च करेंगे तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आएगा, इसको क्या करना है आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो वीडियो को थोड़े देर के लिए पॉज कर देते हैं, डाउनलोड हो जाता है तो फिर आप उनको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तब इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो उसके बाद से दोस्तों परमिशन टर्म्स एंड कंडीशन तो एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल फिर स्क्रॉल, गिव परमिशन नीचे ट्रिक पे क्लिक कर देना है, रिमेम्बर ओके पे आपको क्लिक कर दीजिएगा, अलाउ। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते रहेगा तो आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आपको फ़ोन में दिखा रहा है योर वाईफाई ऑफ। तो दोस्तों क्या करना है, वाईफाई को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद से लोकेशन आपको ऑन ही रहने देना है। उसके बाद से दोस्तों रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं एक वाईफाई आ चुका। अब इसके बाद से शेयर इट पे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका हमारे फ़ोन में। तो दोस्तों ऐसे ही आप वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए।